खबर अब आगरा से। आगरा उत्तरी से बीजेपी प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ है। विधायक जगन प्रसाद गर्ग इन पर जानलेवा हमला हुआ है। जनसंपर्क के दौरान ये हमला हुआ है। ये खबर आगरा से आ रही है। चुनाव करीब है और ऐसे में लगातार नेताओं पर हमले के सिलसिले लगातार जारी हैं। अभी खबर बुलंदशहर के खुर्जा से भी हमने दिखाई थी, जहां आरएलडी प्रत्याशी के भाई की और उसके दोस्त की हत्या की गई थी। अब आगरा से भी खबर बता रहे हैं। आगरा से जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक पाठक जुड़ गए। किन्होंने हमला किया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी स्पष्ट तौर पर तो नहीं साफ हो सका है। पुलिस जांच इस पर जो है शुरू हो चुकी है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि जो विधायक जो हमला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की 4 बार के लगातार विधायक है आगरा उत्तरी से, और इस बार भी जो है वो भाजपा के प्रत्याशी आगरा उत्तरी से, और वही जनसंपर्क भी आज सुबह इस इलाके से निकले हुए थे। स्थानीय आगरा का आदर्श नगर ये इलाका बताया जाता है, जहां पर आज जनसंपर्क के दौरान ही जगन प्रसाद गर्ग पर जो है कुछ लोगों ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की। वहां पर लोगों ने जब बड़ी मुश्किल से जो है जगन प्रसाद गर्ग ने अपनी जान को बचाया, जैसा बताया जा रहा है। और अगर विधायक जी की उनके रुख की बात करें तो उनका सीधा सीधा आरोप जो है सपा के लोगों पर है। अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार वो लोग कौन थे और किन लोगों ने विधायक को जो निशाना बनाया। जी धन्यवाद जानकारी देने के लिए।